मैंने देखी जियो सिनेमा पे विस्फोट मूवी, और मैं बता तो ये मूवी देख के मुझे मजा आ गया। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग को भी देखकर मजा आने वाला है, बस पूरा वीडियो देख लेना। मूवी की लेंथ 2 घंटा 10 मिनट की है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि दो फैमिली को लेकर है, जिसमें से एक फैमिली जुड़ने वाली है एक साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लड़के की माँ को थोड़ा याददाश्त की कमी है, जिसको उसका मरा हुआ पति आज भी दिखाई देता है। और दूसरे तरफ एक हस्बैंड वाइफ अपने बेटे को एक कैफे में छोड़ के गए थे, आके देखा तो उसका बेटा किडनैप हो चुका था। दोनों केस का आपस में कुछ ताल्लुक का भी है, वो आप लोग देख के पता लगा लो। स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ ही इतना फटाफट जाएगा कि आप लोग को सांस लेने का तक का टाइम नहीं मिलेगा, और आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट से इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। बस बुराई इतनी है कि सेकंड हाफ थोड़ा थोड़ा स्लो लगेगा, लेकिन बेस्ट टाइम डिजर्विंग आप लोग को डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करेगा। बाकी एक एक बंदे बोलो या बंदी, सबकी एक्टिंग एकदम जबरदस्त है। फैमिली के साथ मत देखना, अडल्ट सीन है, गाली गलौज भी है। ट्रेलर देखा होगा तो आप लोग को पता लग ही गया होगा। बाकी मुझे तो पूरी मूवी देख के मजा आ गया। थ्रिलर बोल लो, सीरियसनेस बोल लो, मतलब सस्पेंस, आप लोग को पूरा कनेक्ट हो जाओगे इसमें। हाँ, पूरी मूवी क्राइम थ्रिलर मूवी है, जहाँ पे लव टेंशन फाइट आप लोग को देखने मिलेगी। थ्रिलर के फैन हो तो जरूर देखो, और जियो सिनेमा का रिचार्ज है तो भी देखो। अब 29 में भी इतनी अच्छी मूवी मिल जाएगी तो इसको देखना तो आपको बनता ही है। जाओ देखो इन जियो सिनेमा। बाकी आज के वीडियो में इतना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।